हेलो बच्चा लोग वेलकम टू द चैनल एडोनति फिजिक्स बाय मोहित गोइंका आज का जो सेशन होने वाला है दैट इज ऑन सेमीकंडक्टर जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जेई मेन 2020 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे यहाँ पे जो टॉपिक्स होने वाले हैं क्वेश्चंस होने वाले हैं दैट इज बेस्ड ऑन जीना डायोड कॉन्सेप्ट बुलियन एल्जेब्रा लॉजिक गेट्स राइट तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को तो ये अपना पहला क्वेश्चन है इसमें हमें एक सर्किट दिया है यहाँ पे आपका एक नॉर्मल पी एन डायोड लगा हुआ है और हमसे पूछता है कि बताइए टर्मिनल ए और बी के करॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है ठीक है अब इस सवाल में डायरेक्टली एंटर करने से पहले थोड़ा सा बेसिक सा एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं इसके वर्किंग में हम लोग बिल्कुल भी नहीं जाने वाले हैं बस एक रिजल्ट हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं ये जो दोनों डायोड है दिस इज़ लाइक योर नॉर्मल पी एन डायोड और ये दोनों जो है ये आपका जीना डायोड है ठीक है ये दोनों आपका जीना डायोड है सिंबल इस तरीके से ही बनाते हैं एंड दिस इज योर रेगुलर डायोड पीएन डायोड ठीक है अच्छा ये जो पहला वाला फिगर है उसमें आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहां पे पॉजिटिव टर्मिनल होगा बैटरी का यहाँ पे नेगेटिव है सो दिस इज बेसिकली फॉरवर्ड बायस्ड अगर कुछ भी सवाल में मेंशन नहीं है और आपका रेगुलर पी डायोड या फिर जेनर uh, डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है सो इन दैट केस इन दैट केस वी कैन अज्यूम इट टू बी लाइक अ कंडक्टिंग प्लेन वायर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए इसको एक नॉर्मल प्लेन वायर की तरह ट्रीट कर सकते हैं एंड देन कैलकुलेट वट एवर इज बींग आस्ट जिस तरीके से करंट इलेक्ट्रिसिटी के सर्किट्स में हम लोग करते थे सवाल को ठीक है यहाँ पे भी वैसा कर सकते हैं ठीक यहाँ पे आपको रिवर्स बाइसिंग दिखाई दे रहा है रिवर्स बाइसिंग अगर है तो इसके थ्रू कोई भी करंट पास नहीं करेगा इसके थ्रू कोई भी करंट पास नहीं करेगा सो बेसिकली ये सर्किट को ब्रेक कर देगा लेकिन जहाँ तक बात जीना डायोड की आती है जीना डायोड रिवर्स बाइसिंग केस में एक स्पेशल सिचुएशन अटेन करता है विच इज़ कॉल्ड ब्रेकडाउन सिचुएशन ब्रेकडाउन वोल्टेज अगर आपने पढ़ा होगा तो जीना डायोड एक्ट एज ए वोल्टेज रेगुलेटर राइट सपोज आपको क्वेश्चन में दिया है कि जीना डायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज इज लेटेस्ट जस्ट फॉर एग्जाम्पल टू वोल्ट्स ठीक है तो रिवर्स बाइसिंग केस में अगर इसके क्रॉस हमने चार वोल्ट भी लगा दिया चार वोल्ट का मतलब है कि हम ऑब्वियसली ब्रेकडाउन वोल्टेज को क्रॉस कर चुके हैं लेकिन जीना डायोड अपने क्रॉस टू वोल्ट से ज़्यादा आउटपुट नहीं देगा राइट right? जितना उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज है उससे ज़्यादा का वो आउटपुट अपने एक जनरेट नहीं होने देगा सो so वो एक कांस्टेंट वोल्टेज मेंटेन करेगा इफ़ दी इनपुट वोल्टेज इज़ अबव द ब्रेकडाउन वोल्टेज राइट एंड इफ द इनपुट वोल्टेज इज़ बिलो द ब्रेकडाउन वोल्टेज तो इसके थ्रू भी कोई भी करंट नहीं होगा और ये सर्किट को ब्रेक कर देगा ठीक तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट ध्यान में होना चाहिए आगे सभी आने वाले सवालों में जीना डायोड और इस रेगुलर डायोड के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल होने वाला है तो इस सवाल में हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का ये नेगेटिव टर्मिनल है यानी कि ये डायोड आपका फॉरवर्ड बायस्ड है अगर ये फॉरवर्ड बायस्ड है तो हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ पे ये डायोड है ही नहीं एंड इट इज जस्ट लाइक अ प्लेन वायर ऐसा और अब हम लोग इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल ए एंड बी वी कैन ईजिली डू दैट राइट हाउ कैन वी डू दैट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस फाइंड व्हाट इज द करंट व्ट इज द करंट इन दिस ब्रांच ठीक है तो करंट कितना हो जाएगा पोटेंशियल दैट इज थर्टी वोल्ट डिवाइडेड बाई आर इक्वेलेंट ऑफ द सिस्टम ये टेन किलो ओम ये भी टेन किलो ओम यानी कि इन दोनों के अक्रॉस जो इफेक्टिव होगा वो जाएगा आपका फाइव किलो ओम और फाइव किलो ओम और टेन किलो ओम आपस में सीरीज में है विच बिकम्स फिफ्टीन किलो ओम राइट दिस बिकम्स फिफ्टीन किलो ओम देअर फॉर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल ए बी इज गोइंग टू बी आई मल्टीप्लाइड बाई आर अक्रॉस ए बी इस ए बी टर्मिनल के अक्रॉस आर इक्वेल्ट कितना है तो वो अभी अभी हमने देखा वो फाइव के बराबर है सो दिस बिकम्स थर्टी अपॉन फाइव इंटू टू द पावर थ्री मल्टीप्लाइड बाई फाइव किलो ठीक है तो यहां से साफ साफ दिखाई दे रहा है ये कट के इतना हो जाएगा एंड दिस बिकम्स वोल्ट राइट सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू में भी हमें फिर से एक ऐसा ही सर्किट दिया है जहां पे दो डायोड्स है यहां पे आपको डी और डी डायोट दिखाई दे रहा होगा ठीक हमसे करंट आई पूछ रहा है अब अगर ध्यान से देखें दिस इज द पॉजिटिव पोलारिटी दिस इज नेगेटिव पोलारिटी तो यहाँ पे आपको प्लस साइन है और इस वाले डायोड के बिहाइंड में आपको नेगेटिव पोलारिटी डेवलप होता हुआ दिखाई देगा सो इन दिस सिचुएशन दोनों का दोनों डायोड रिवर्स्ड बायस सिचुएशन में है ध्यान से देखिए दोनों का दोनों डायोड इस समय रिवर्स्ड बायस सिचुएशन में है अगर ये रिवर्स्ड बायस सिचुएशन में है तो ये वाला जो ब्रांच है वो भी ब्रेक हो जाएगा और ये वाला ब्रांच भी ब्रेक हो जाएगा सो so बेसिकली हमारा जो करंट फ्लो का पाथ होगा वो इस तरीके से यहाँ से इस तरीके से है और सिर्फ इतना ही ब्रांच काम का है इतना ही ब्रांच अपना काम का है तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये टेन ओम ये फाइव ओम और ये टेन ओम आपस में सीरीज़ में होने वाले हैं ठीक है तो ये आई कितना हो जाएगा आई हो जाएगा अपना वोल्टेज दैट इज नाइन अपॉन टोटल रेजिस्टेंस और यह चारों के चारों रजिस्टेंस सीरीज में है टेन फाइव टेन एंड दिस फाइव सो दिस टोटल बिकम्स ट्वेंटी प्लस टेन दिस इज थर्टी दिस इज थर्टी राइट तो यह आपका कितना हो गया थ्री टेन विच बिकम्स पॉइंट थ्री एम्पियर पॉइंट थ्री एम्पियर दिस इज ऑप्शन नंबर ए ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री में हमसे सवाल में कहता है कि आपके पास दो आइडेंटिकल कैपेसिटर्स है कैपेसिटर ए एंड बी ठीक है दे आर चार्ज टू सेम पोटेंशियल फाइव वोल्ट्स ठीक दे आर कनेक्टेड इन टू डिफरेंट सर्किट्स आज शोन बिलो एट टाइम टी इक्वल टू जीरो इफ़ द चार्ज ऑन कैपेसिटर ए एंड बी एट टाइम टी इज इक्वल टू सी आर इज क्यू एंड क्यू बी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू एंड क्यू बी ठीक है ध्यान से देखिए जो सबसे पहला वाला सर्किट है जो सबसे पहला वाला सर्किट है पहली बात शुरुआत में दोनों ही कैपेसिटर पे हमने सेम चार्ज डिपॉजिट कर दिया राइट हमने दोनों कैपेसिटर को एक एक पर्टिकुलर वोल्टेज के अक्रॉस चार्ज कर दिया ठीक है सो वी कैन से दैट वी कैन से दैट शुरुआत में एट टी इक्वल्स टू जीरो दोनों पे ही दोनों पे ही जो चार्ज था वो सी वी था ठीक है सी इंटू वी है सही है एकदम अच्छा अब पहले वाले की अगर बात करें आपको दिखना चाहिए यहाँ पे यू कैन सी दैट दिस डायोड इज गोइंग टू बी इन रिवर्स्ड बायस सिचुएशन ये नेगेटिव पोलारिटी है कैपैसिटर का सो so इसके पास नेगेटिव पोलारिटी और यहाँ से देखिए ये पॉजिटिव पोलारिटी यानी कि ये वाला डायोड आपको रिवर्स्ड बायस सिचुएशन में है अगर ये रिवर्स बायस सिचुएशन में है तो सर्किट यहाँ से समझ लीजिए ब्रेक हो चुका है और ये कैपेसिटर डिस्चार्ज नहीं होगा जब कोई पाथ ही नहीं मिला इसको तो ये डिस्चार्ज नहीं होगा सो so किसी भी टाइम पर हम उठा के देख ले किए इज़ गोइंग टू बी द इनिशियल चार्ज विच इज़ सी वी विच इज़ सी वी लेकिन दूसरे सिस्टम की अगर हम बात करें तो दूसरा सिस्टम आपको फॉरवर्ड बायस्ड है दिस इज फॉरवर्ड बायस्ड अगर ये फॉरवर्ड बायस्ड है तो प्रॉपर डिस्चार्जिंग होगा है ना हम इस डायोड को एक नॉर्मल वायर से रिप्लेस करके इमेजिन कर सकते हैं और आपका डिस्चार्जिंग होगा यहां पे रेजिस्टेंस आर भी है और हमें डिस्चार्जिंग का इक्वेशन पता है हमें डिस्चार्जिंग का इक्वेशन पता है दैट इज गिवन बाय क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट ई की पावर माइनस टी बाई आर सी ठीक है एक आर सी सर्किट में डिस्चार्जिंग का ये इक्वेशन है अच्छा हमसे हमसे ये बोल रहा है कि किसी टाइम टी पे दैट इज सी टाइम पे इसके अक्रॉस चार्ज क्यू बी है कैपेसिटर पे चार्ज क्यू बी है इनिशियल चार्ज सी वी था सो so ई e की पावर माइनस टी की वैल्यू हमें सी दे रखा है तो ये सी से सी आर कैंसिल एंड दिस बिकम्स सी वी ई टू द पावर माइनस वन तो ई e नीचे आ जाएगा एंड दिस बिकम्स द रिज़ल्ट यानी कि क्यू बी सी बाई ई है एंड क्यू ए वही सी वी है सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ठीक चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर में हमसे कहता है वेन अ डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड वेन अ डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड इट हैज अ वोल्टेज ड्रॉप ऑफ पॉइंट फाइव वोल्ट द सेफ लिमिट ऑफ करंट थ्रू द डायोड इज टेन मिलिया ठीक है जब वो डायोड फॉरवर्ड बायस था तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0.5 वोल्ट का डेवलप हो जाता है और उसके थ्रू हम 10 मिली एमपियर से ज़्यादा का करंट नहीं फ्लो करा सकते वो सेफ़ लिमिट है उसका इफ़ अ बैटरी ऑफ ई एम एफ वन पॉइंट फाइव वोल्ट इज़ यूज इन द सर्किट इज़ यूज इन द सर्किट ध्यान से देखिए ये आपको डायोड है ये आपको डायोड है और हमसे कहता है कि हमने वन पॉइंट फाइव वोल्ट का एक बैटरी यूज़ किया है राइट right? then the value of minimum resistance to be added or to be connected in series with the diode so that current does not exceed the safe limit। तो हम इस डायोड के साथ सीरीज में कितना रेजिस्टेंस लगाए ये ये कैपिटल आर की वैल्यू मिनिमम क्या होनी चाहिए ताकि इस सर्किट में सेफ लिमिट से ज़्यादा करंट ना फ्लो करे, ठीक है अब ध्यान से देखिए ये डायोड आपका फॉर्वर्ड सिचुएशन में है जब फॉर्वर्ड बाइस्ड होगा तो सवाल में कहता है कि पॉइंट वोल्ट का इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा यानी कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस बाकी बचा पोटेंशियल ड्रॉप है दैट इज वन वोल्ट दैट इज वन वोल्ट सो वॉट इज द करंट इन दिस रेजिस्टेंस, करंट कैन बी गिवन बाई पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी रेजिस्टेंस अपॉन कैपिटल आर राइट अब हमको सवाल में कंडीशन दिया है कि ये करंट 10 मिली एम्पियर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए कंडीशन है कि आई शुड बी लेस देन इक्वल टू 10 मिली एम्पियर आई शुड भी लेस देन इक्वल टू टेन इन टू टेंट द पावर माइनस थ्री एम्पियर और आई का वैल्यू क्या है वन बाई आर सो वन बाई आर शुड बी लेस देन इक्वल टू टेंट द पावर माइनस टू और यहाँ से हम कह सकते हैं कि आर इज मोर देन इक्वल टू हंड्रेड ओम तो कम से कम हंड्रेड तो होना ही चाहिए मिनिमम हंड्रेड तो होना ही चाहिए ठीक चलिए अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव में हमें दो डायोड दिया है एक डायोड जीना डायोड है दोनों का दोनों एक ए है और एक बी ए जीना डायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज छः वोल्ट है और बी वाले जीना डायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज फोर वोल्ट है ठीक है यहाँ पे आपका इनपुट सप्लाई है और इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमने आउटपुट लिया हुआ है ठीक है अब सवाल में आखिरी के दो स्टेटमेंट पढ़िए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है द आउटपुट वोल्टेज वी नॉट दी आउटपुट वोल्टेज वी नॉट वेरिएशन विथ इनपुट वोल्टेज लीनियरली इंक्रीजिंग विद टाइम इज गिवन बाई सवाल में कहता है कि हम जैसे जैसे इनपुट वोल्टेज को लीनियरली इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे आउटपुट वोल्टेज कैसे वेरी करेगा उसके लिए इसमें से कौन सा ग्राफ सही है ठीक ध्यान से देखिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है अच्छा क्वेश्चन है जीना डायोड पे बेस्ड सो लेटेस्ट कैटेगराइज दिस फर्स्ट टेक अ सिचुएशन जब आपका इनपुट वोल्टेज फोर से तो कम था लेकिन ज़ीरो से ज़्यादा था ठीक है शुरुआत में आपका जो इनपुट वोल्टेज है वो ज़ीरो से बढ़ता बढ़ता लेटेस्ट से फोर तक जा रहा था ड्यूरिंग दिस सिचुएशन ड्यूरिंग दिस सिचुएशन ना ही ए का ब्रेकडाउन वोल्टेज क्रॉस हुआ है और ना ही बी का ब्रेक डाउन वोल्टेज क्रॉस हुआ है ठीक है आपको पता होना चाहिए अगर जीना डायोड में आ, ड्यूरिंग रिवर्स वाइसिंग सिचुएशन जब तक ब्रेकडाउन वोल्टेज ना अचीव हो तब तक दोनों का दोनों कोई करंट पास नहीं करा रहा होगा कोई कंडक्शन नहीं हो रहा होगा दोनों के थ्रू ठीक है राइट right? इसका मतलब यह है कि हमने यहाँ पे कोई करंट नहीं यहाँ पे कोई करंट नहीं तो आप जो भी इनपुट दे रहे हो वो एग्जैक्टली exactly आउटपुट के अक्रॉस भी आपको मिल रहा है सो ड्यूरिंग दिस टाइम आई कैन से दैट आउटपुट वोल्टेज इज गोइंग टू बी इक्वल टू इनपुट

इन दैट केस ये वाला अभी तक ब्रेकडाउन अचीव नहीं किया लेकिन ये फोर वोल्ट जो वाला आ, ये जो बी वाला जीना डायोड है ये ब्रेकडाउन हो चुका है ठीक है ये ब्रेकडाउन हो चुका है अब भले ही आपका इनपुट वोल्टेज फाइव वोल्ट भी क्यों ना हो जाए लेकिन जीना डायोड आफ्टर ब्रेकडाउन अपने एक कॉन्स्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता है वही आउटपुट देता है तो इसके एक तो प्लस फोर वोल्ट ही रहेगा हमेशा इसके अक्रॉस हमेशा प्लस फोर वोल्ट ही रहेगा और बाकी का बचा बाकी का जो रिमाइंडर पोटेंशियल होगा वो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस आ जाएगा राइट सपोज़ आपका इनपुट पाँच था तो चार इसके अक्रॉस आ जाएगा ये हमेशा अपने अक्रॉस कॉन्सटेंट ही रखेगा और बाकी बचा का जो वन वोल्ट है वो इस हंड्रेड ओम के अक्रॉस आ गया सो देखा जाए तो इस इस दोनों टर्मिनल के अक्रॉस इस दोनों टर्मिनल के अक्रॉस तो आपका फाइव वोल्ट ही रहेगा तो जो इनपुट है वही आपका आउटपुट अभी भी मेनटेंड रहेगा जो इनपुट है वही आपका आउटपुट मेंटेन रहेगा ड्यूरिंग दिस जोन आल्सो सो आउटपुट इज गोइंग टू बी इक्वल टू इनपुट यानी कि ये स्ट्रेट लाइन कंटिन्यूड रहेगा टिल सिक्स टिल सिक्स वोल्ट्स ठीक आफ्टर द इनपुट वोल्टेज बिकम्स मोर देन सिक्स वोल्ट जब ये छह वोल्ट से ज्यादा हो जाता है तो ये वाला जीना डायोड ब्रेकडाउन हो गया ठीक है भले ही आपने इनपुट को आठ कर दिया लेकिन जीना डायोड अपने एक क्रॉस आउटपुट वोल्टेज छः ही रखेगा छः ही रखेगा यानी कि इन दोनों टर्मिनल के क्रॉस हमेशा वो आउटपुट छः ही देगा तो फाइनली लोड तक जो आउटपुट आउटपुट पहुँचेगा वो भी छः रहेगा हमेशा कॉन्सेंट रहेगा भले ही इनपुट बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए लेकिन आउटपुट नहीं बढ़ेगा दैट रिमेंस फिक्स्ड ऐट सिक्स वोल्ट्स तो ये आपका इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा एंड दिस इज ऑप्शन नंबर बी ठीक चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स अगेन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन जीना डायोड यहाँ पे हमें दे रहा है कि ये दोनों आपका एक आइडेंटिकल जीना डायोड है आइडेंटिकल जीना डायोड है और दोनों ही डायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज सिक्स है ठीक यहाँ आर वन एंड दिस इज द इनपुट वोल्टेज राइट अब हमको यहाँ पे इनपुट वोल्टेज का वेरिएशन दिया है इनपुट वोल्टेज इस तरीके से वेरी कर रहा है साइन कर्व है ये राइट जीरो पीक इज टेन वोल्ट देन इट डिक्रीजेस देन साइन चेंजेस माइनस टेन एंड सो ऑन अब किसी भी सिचुएशन पे उठा के देख लीजिए सपोज इस साइड प्लस पोलारिटी इस साइड नेगेटिव पोलारिटी है तो एट एनी गिवन टाइम वन ऑफ द डायोड इज गोइंग टू बी फॉरवर्ड बायस्ड और दूसरा डायोड विल बी रिवर्स्ड बायस्ड ठीक है ये हमेशा रहेगा एक तो फॉरवर्ड बायस्ड होगा और दूसरा वाला जो है वो नेगेटिव बायस्ड होगा ठीक अब ध्यान से देखिए जीरो सिक्स वोल्ट सिक्स वोल्ट एक खास पोटेंशियल है दैट इज ब्रेकडाउन वोल्टेज जब तक आपका इनपुट जब तक आपका इनपुट पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड क्योंकि साइंस से हमें अभी इंटरेस्ट नहीं है जब तक आपका इनपुट वोल्टेज का मैग्नीट्यूड छः वोल्ट से कम है लेकिन जीरो से ज़्यादा है इस इस रेंज में जब तक है तब तक जो फॉरवर्ड वायस्ड है वो तो आपका एक प्लेन कंडक्टिंग वायर की तरह बिहेव किया लेकिन जो रिवर्स बायस्ड है उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज क्रॉस नहीं हुआ है यानी कि वो कोई करंट अलाउ नहीं करेगा यानी कि इसके थ्रू कोई करंट नहीं फ्लो करने वाला है ड्यूरिंग दिस दिस रीजन व्हिच मींस जो भी इनपुट है वो एग्जैक्टली exactly आउटपुट में मिल जाएगा जो भी इनपुट है वही आपको आउटपुट में मिलेगा ठीक है वही आपको आउटपुट में मिलेगा सो वी कैन से दैट फ्रॉम जीरो टू सिक्स इट इज गोइंग टू फॉलो दिस पाथ ठीक है जब जब आपका छ से कम है और जीरो से ज्यादा है तब तक तो इनपुट को ही वो फॉलो करेगा ऐसा थीक? लेकिन लेकिन अगर आपका इनपुट सिक्स से ज्यादा है इसका मतलब ब्रेकडाउन अचीव हो गया है और अगर ब्रेकडाउन अचीव हो गया है देन डायवर्ड इज गोइंग टू कीप कांस्टेंट आउटपुट पोटेंशियल ऑफ सिक्स वोल्ट्स, व्हिच मींस अब यहां पे स्ट्रेट लाइन रहेगा कांस्टेंट पोटेंशियल रहेगा आउटपुट में दैट इज सिक्स वोल्ट्स व्हिच मींस ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ठीक है चलिए अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स में हमसे पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स अ रिवर्सिबल ऑपरेशन विच ऑफ़ द फॉलोइंग गिव्स अ रिवर्सिबल ऑपरेशन ये जानने के लिए सबसे पहले तो समझना ज़रूरी है कि रिवर्सिबल ऑपरेशन है क्या रिवर्सिबल ऑपरेशन का मतलब है सिंपल भाषा में अगर समझे रिवर्सिबल ऑपरेशन का मतलब है कि अगर हम आउटपुट को देख के अगर हम यहाँ पे जो भी आउटपुट है अगर हम आउटपुट को देख के क्लियरली बता सके कि इनपुट क्या था राइट right? अगर हम z की वैल्यू को देख के ये बता सके कि a और b एग्जैक्टली exactly क्या था तो वो प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस इफ़ वी कैन रिकवर द इनपुट वैल्यू बाय आउटपुट वैल्यू अगर हम आउटपुट को देख के इनपुट की वैल्यू बता सके तो ही होता है वो रिवर्सिबल प्रोसेस ये हो गया उसका डेफिनेशन अब हमें चेक करना है चारों में से कि, कि किसका आउटपुट देख के हम पिन पॉइंट कर सकते हैं इनपुट ठीक जो सबसे पहला वाला गेट है वो आपको पता होना चाहिए दिस इज अ नॉर गेट राइट दिस इज नॉर गेट सपोज ये ए इनपुट है ये बी इनपुट है तो आउटपुट क्या हो जाएगा इस तरीके से हो जाएगा ए प्लस बी बार ठीक है भले हम इसे प्लस बोलते हैं लेकिन ये बेसिकली एक और ऑपरेटर है राइट सो ए प्लस बी बार इसका मतलब ये है कि अगर हमने इनपुट दिया वन जीरो अगर हमने इनपुट दिया वन जीरो तो आउटपुट हो जाएगा जीरो राइट वन और वन प्लस जीरो आपको वन हो जाएगा उसका बार जीरो अगर हमने इनपुट जीरो वन दिया अगर हमने इनपुट जीरो वन दिया तब भी आपका आउटपुट ज़ीरो होने वाला है तो यहां से हमको दिखाई दे रहा है कि एक ही आउटपुट के लिए जीरो आउटपुट के लिए इनपुट दो पॉसिबल है इनपुट जो है वो दो पॉसिबल है ठीक है इवन 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 अगर हमने इनपुट वन वन भी दिया अगर हमने वन और वन इनपुट दिया है तब भी आपका आउटपुट जीरो है सो so, ऐसे में हम बता ही नहीं सकते हैं जीरो को देख के कि इनपुट एग्जैक्टली exactly था क्या इसका मतलब ये आपको रिवर्सिबल ऑपरेशन नहीं है राइट right? सिमिलरली आप सबको चेक कर सकते हैं दिस इज योर और गेट या ये जो वाला जो है ये आपका है, और गेट है यानी कि इनपुट अगर ए और बी है सो आउटपुट इज सिंपली दिस ठीक है तो अगर हमने इनपुट दिया है वन ज़ीरो तो आउटपुट वन जीरो वन दिया है तब भी वन 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 दिया है तब भी वन तो फिर से एक ही आउटपुट के लिए तीन अलग अलग इनपुट है हम सिर्फ वन देख के नहीं बोल सकते कि इनपुट क्या रहा था तो ये भी पॉसिबल नहीं है दिस इज योर नैंड गेट ये ए है ये बी है तो ये आपको हो जाएगा ए एंड बी का बार ठीक है बेसिकली इसे हम डॉट बोल देते या फिर इनटू बोल देते बोलना नहीं चाहिए ये बेसिकली एक एंड ऑपरेटर है बीच में जो ये डॉट साइन है ठीक अच्छा इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए कि हमने वन और जीरो इनपुट दिया वन और जीरो इनपुट दिया तो आउटपुट कितना हो जाएगा सोचिए आउटपुट कितना हो जाएगा वन हो जाएगा ठीक जीरो और वन दिया तब भी आउटपुट वन जीरो और जीरो दिया तब भी आउटपुट वन तो एक ही आउटपुट के लिए तीन तीन अलग अलग इनपुट नहीं बोल सकते ये कौन सा गेट है दिस कंप्लीट यूनिट इज अ नॉट गेट ये आपका एक नॉट गेट है अगर हमने इनपुट ए दिया है तो आउटपुट ए बार यानी कि अगर इनपुट वन है तो आउटपुट जीरो जीरो देख के हम क्लियरली बोल सकते हैं कि इनपुट वन ही रहा होगा नो डाउट अबाउट दैट इसलिए ये आपका एक रिवर्सिबल ऑपरेशन है ठीक है चलिए आई होप क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एट ठीक इसमें हमें कहता है कि इन द गिवन सर्किट वैल्यू ऑफ वाई एस सो बेसिकली हमको यहां पे इनपुट में वन दिया यहाँ जीरो दिया है हमें वाई की वैल्यू बतानी है कि वाई की वैल्यू क्या है ठीक तो एक करके आगे बढ़ते हैं यहाँ पे इनपुट में हमारे पास वन है ठीक है ये आपका नॉट गेट है ये आपका नॉट गेट है तो इसके आउटपुट में हमें ज़ीरो मिला होगा ठीक है अब ये ज़ीरो यहाँ पे भी इनपुट बना ठीक है यहाँ पे भी इनपुट बना और यहाँ पे भी इनपुट बना ठीक अच्छा यहाँ का भी देख लेते हैं ये ज़ीरो है तो इसको भी ज़ीरो मिला है ठीक अच्छा अब इधर देखिए यहां पे जीरो मिला फिर से ये आपका एक नॉट गेट है नॉट गेट है यानी कि आउटपुट वन तो इधर हमको वन मिला ठीक है अच्छा अब यहां देखिए जीरो जीरो इनपुट है एंड दिस इज NAND गेट नैंड गेट यानी कि एंड पे एक और नॉट लगाना है ठीक है ये आपका नैंड गेट है तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा जीरो जीरो बार राइट यानी इसका आउटपुट हो जाएगा वन ठीक अब यही आउटपुट जो है इधर से आ रहा है और इसको इनपुट मिला ठीक अब जीरो और वन इनपुट है एंड दिस इज अगेन योर नैंड गेट नैंड गेट का मतलब जीरो एंड वन और ऊपर एक बार राइट यानी कि ये कितना हो जाएगा ये वन हो जाएगा ठीक अब ये आउटपुट इधर जा रहा है जा रहा है और इसका इनपुट बन गया ठीक है इसका इनपुट बन गया अब ये वन है ये वन है एंड दिस इज अगेन योर नैंड गेट दिस इज अगेन योर नैंड गेट यानी कि जो आउटपुट होने वाला है फाइनल आउटपुट दैट इज गोइंग टू बी वन एंड वन इसका बार ठीक है सो द आंसर इज गोइंग टू बी जीरो ऑप्शन नंबर सी ठीक चलिए अगला सवाल देखते क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन नंबर नाइन देखते अच्छा आइडेंटिफाई द ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय द सर्किट ठीक है पहली बात ये तीनों का तीनों कौन सा गेट है ये वाला ये वाला ये वाला तीनों का तीनों आपका नॉट गेट है ठीक है तीनों का तीनों नॉट गेट है हमने यहाँ पे इनपुट में ए दिया तो यहाँ हमें मिला ए बार यहाँ मिला बी बार और यहाँ मिला सी बार ठीक अब ये तीनों इनपुट यहाँ पे है ये जो आउटपुट यहाँ निकला ये यह यहाँ पे इनपुट बन गया नौ दिस इज़ योर नॉर गेट तो जो आपका फाइनल आउटपुट होने वाला है दैट इज़ गोइंग टू बी ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार होल ओवर बार ठीक है राइट नॉर गेट है ना यानी कि और प्लस नॉट और था इसलिए तीनों को इस तरीके से यहां पे और ऑपरेटर लगाया यानी कि प्लस साइन दिखाया और साथ में एक नॉट भी है सीरीज में तो ऊपर एक बार भी दिखा दिया ठीक अब यहां पे आप लगा सकते हो डी मॉर्गेंस फॉर्मूला ठीक है अगर ध्यान में हो तो एक्स प्लस वाई बार इज इक्वल टू एक्स बार वॉट इज इज एक्स बार डॉट वाई बार ठीक है ये आपका पहला डी मॉर्गन फॉर्मूला है और दूसरा क्या होता है एक्स एंड वाई बार इज इक्वल टू एक्स बार प्लस वाई बार ठीक तो यहाँ पे अभी हम पहला वाला लगाएंगे वी विल अप्लाई द फर्स्ट वन सो दिस इज गोइंग टू बी ए बार बार बी लाइक दिस ठीक है एंड अगर ए के ऊपर टू टाइम्स बार है सो दिस इज बेसिकली और ए सो ए एंड बी एंड सी सो बेसिकली हमारा जो फाइनल ऑपरेशन निकल के आया है इट इज़ जस्ट लाइक एन एंड गेट सो दिस एंटायर थिंग इज इफेक्टिवली एक एंड गेट राइट सो वी क्विल से ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टेन क्वेश्चन नंबर टेन देखिए क्वेश्चन नंबर टेन में हमको कहता है कि आपके पास ये यू नो डिजिटल सर्किट है वॉट विल बी दउटपुट एट जेड वेन द इनपुट ए बी आर सो एंड सो ठीक है तो यहाँ पे चार है अब एक एक करके अब चारों को पुट करके हम Z निकाले दैट इज़ वेरी टायरिंग सो क्यों ना हम A और B के इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग Z क्या होगा वो निकाल लें ठीक है तो बड़ा ध्यान से देखिएगा बड़ा ध्यान से इसको देखिए यह आपका ए है इनपुट तो यहाँ पर भी इनपुट ए होगा ठीक और यहाँ पर भी इनपुट ए होगा दिस इज़ बी सो दिस इनपुट इज़ बी और यहाँ पे भी इनपुट so बी हो गया ठीक अब ये आपका और गेट है तो यहाँ से जो आउटपुट निकला दैट इज ए प्लस बी यहां पर दिस इज योर नैंड गेट तो यह आउटपुट हो जाएगा ए डॉट बी बार ठीक है ना दिस आउटपुट गो स्टिल हीर तो यहां पर ये तो पहुंचा यही आउटपुट इसको भी मिला है यही आउटपुट इसको भी मिला है और ये ए प्लस बी वाला आउटपुट यहां इनपुट बन गया ठीक ना दिस इज योर एंड गेट दिस इज योर एंड गेट तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा दिस डॉट ए प्लस बी ठीक अब ये आउटपुट यही आउटपुट यहां पे इनपुट है और एक इनपुट ए डॉट बी एंड दिस इज फाइनली योर नॉर गेट ये आपका फाइनली नॉर गेट है तो Z को हम क्या लिख सकते हैं ध्यान से देखिए हम Z को लिख सकते हैं ए डॉट बी बार राइट नॉर गेट है ना सो so, प्लस ये वाला इनपुट दैट इज ए डॉट बी बार डॉट ए प्लस बी और इस पूरे पे बार इस पूरे पे एक बार होगा ठीक है एक बार ध्यान से देख लीजिए ये आपका नॉर्थ गेट था इसलिए बीच में प्लस लगा के एक पूरे पे बार दे दिया हमने ठीक है अब यहाँ पे भी हमें डीमॉर्गेंस वाला जो फॉर्मूला था वो भर भर के यूज़ करना होगा तो एक तो ये वाला फार्मूला और एक ये वाला ठीक है नीचे वाले का होता है रिजल्ट एक्स बार प्लस वाई बार और ऊपर वाले का होगा एक्स बार डॉट वाई बार ठीक चलिए ध्यान से देखिए इनिशियली ये पूरे के पूरे को ऐसा एक्स मान लो और ये पूरा का पूरा को ऐसा वाई मान लेते हैं ठीक है तो पहला वाला फॉर्मूला हम लोग लगाने जा रहे हैं वो कहता है एक्स का बार डॉट वाई का बार यानी कि ए डॉट बी इसका बार राइट डॉट ए डॉट बी बार ए प्लस बी इस पूरे का बार ठीक है अच्छा अब यहाँ पे दो बार बार है सो बेसिकली उसको हम लोग हटा देंगे डॉट अब यहाँ पे लगाएंगे दूसरा वाला फॉर्मूला ठीक है ये लगा देंगे फॉर्मूला दूसरा वाला तो दूसरा वाला क्या कहता है एक्स बार प्लस वाई बार यहां पे हम इसको एक्स ट्रीट करेंगे और इसको वाई ट्रीट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ए डॉट बी बार के ऊपर एक और बार प्लस ए प्लस बी इसके ऊपर एक बार ठीक है तो यहां से आपका आ रहा है ए डॉट बी डॉट बार के ऊपर फिर से बार है सो दिस बिकम सिंपली ए डॉट बी प्लस अच्छा ए प्लस बी का बार अगेन फार्मूला नंबर वन सो so, ये आपका हो जाएगा ए डॉट ए बार डॉट बी बार ठीक है अच्छा तो ये आपका हो जाएगा ए डॉट बी डॉट ए डॉट बी प्लस दिस बिकम्स ए डॉट बी ए बार डॉट बी बार ठीक है व्हाट इज़ दिस व्हाट इज दिस हम सेम चीज़ को दो बार डॉट ले रहे हैं दिस इज जस्ट लाइक आई एम टेकिंग एक्स डॉट एक्स दिस इज गोइंग टू बी एक्स वन डॉट वन क्या होगा वन ही तो होगा जीरो डॉट जीरो क्या होगा ज़ीरो तो होगा राइट right? तो आप सेम टू सेम डॉट ले रहे हो सो so वही वैल्यू रहने वाली है दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज सो यहाँ पे हो जाएगा आपका सिंपली ए डॉट बी प्लस यहाँ पे ध्यान से देखिए इस ए को और इस ए बार को अगर इकट्ठा आप लिख के देखो एक बारी और इस बी और बी बार को इकट्ठा लिख के देखो तो आपको ये चीज़ दिखाई देना चाहिए दैट दिस टर्म इज़ीरो आप ए को ए नॉट के साथ एंड uh, आप उस पर एंड ऑपरेटर लगा रहे हो राइट दिस इज जस्ट लाइक वन डॉट वन बार राइट सो वन बार इज गोइंग टू बी ज़ीरो सो अल्टीमेटली तो जीरो आने वाला ही है ठीक है सो दिस टर्म इज ज़ीरो तो आपके पास फाइनली बच रहा है ए डॉट बी यानी कि ये पूरा का पूरा जो सेटअप है दिस इज एंड इसका जो इक्वेलेंट चीज़ है दैट इज एंड एंड राइट right. बस खत्म अब आपके पास इनपुट अगर वन कॉमा जीरो है अगर हमारा इनपुट वन कॉमा जीरो है तो आउटपुट ज़ीरो हो गया अगर हमारा इनपुट जीरो कॉमा जीरो है तो आउटपुट जीरो इनपुट वन कॉमा वन है तो आउटपुट वन और इनपुट ज़ीरो कॉमा वन है तो आउटपुट ज़ीरो सो दिस इज़ द फाइनल आंसर जीरो जीरो वन ज़ीरो विच इज़ ऑप्शन नंबर सी ठीक है तो एक बढ़िया सवाल है नॉट वेरी इजी क्वेश्चन चलिए अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवेंथ क्वेश्चन नंबर इलेवेंथ में हमसे कहता है कि आपके पास दो आइडेंटिकल डायोड्स हैं और ये दोनों डायोड अगर फॉरवर्ड बाय सिचुएशन में है अगर फॉरवर्ड बाय सिचुएशन में है तो अपने अक्रॉस पॉइंट सेवन वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप लेगा ठीक है अच्छा तो हमसे ये कहता है कि यहाँ पर आपको इनपुट वोल्टेज ट्वेल्व वोल्ट दिया है देन फाइंड आउट द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए ठीक है तो यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये वाला जो डायोड है वो फॉरवर्ड बाय सिचुएशन में है राइट फॉरवर्ड फॉरवर्ड बाय सिचुएशन में है राइट right? इसका मतलब इसके अक्रॉस क्योंकि ऑलरेडी एक पॉइंट सेवन वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप है राइट right? ऑलरेडी एक पॉइंट सेवन वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा वी इज गोइंग टू बी ट्वेल्व पॉइंट सेवन माइनस पॉइंट सेवन दैट इज ट्व वोल्ट 12 वोल्ट सो इट इज एन इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन तो इसका आंसर हो जाएगा सिंपली 12 राइट right? चलिए आगे बढ़ते हैं अच्छा ये भी दिखाई देना चाहिए आपको आपको ये भी दिखाई देना चाहिए ये आपको 12 वोल्ट है तो ये वाला जो डायोड है दैट इज गोइंग टू बी इन अ रिवर्स बाय सिचुएशन ये डायोड आपका ट्वेल्व ये पॉइंट हायर पोटेंशियल पे है सो दिस डायोड इज इन रिवर्स सिचुएशन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ में हमसे कहता है कि आपके पास दो आइडेंटिकल जीनर डायोड्स है राइट एंड दिस इज वर्किंग एज वोल्ट डी सी रेगुलेटेड वोल्टेज सोर्स राइट हमने शुरुआत में कहा था कि जीनर डायोड का फंक्शन ही होता है इट एक्ट एज ए वोल्टेज रेगुलेटर अपने कॉन्स्टेंट वोल्टेज मेंटेन कर सकता है वो ठीक तो सवाल में हमको कह रहा है कि ये दोनों मिलकर आठ वोल्ट का कॉन्स्टेंट वोल्टेज मेंटेन कर रहे हैं और क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है तो हम साफ साफ कह सकते हैं कि इंडिविजुअली दोनों के पास फोर फोर वोल्ट ईच है ठीक है हमसे कहता है कि वॉट इज दी पावर डिसिपेटेड इन ईच डायोड हर डायोड में कितना पावर डिसिपेशन है ना इनपुट इज ट्वेल्व वोल्ट राइट इनपुट इज ट्वेल्व वोल्ट इन दोनों के अक्रॉस टोटल आठ वोल्ट है टोटल आठ वोल्ट है तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों ये जो दोनों 200 200 ओम है 200 हंड्रेड ओम्स है इनके अक्रॉस बाकी बचा पोटेंशियल ड्रॉप होगा दैट इज 12 माइनस एट विच मीन्स फोर वोल्ट ठीक है तो करंट कितना फ्लो कर रहा है कितना करंट फ्लो हो रहा होगा करंट इज फोर अपॉन टोटल रेजिस्टेंस दैट इज फोर हंड्रेड ओम तो यहां से करंट आ रहा है वन बाई हंड्रेड एम्पियर अब ये सेम करंट इसमें भी तो फ्लो कर रहा है सेम करंट इसमें फ्लो कर रहा है सो वॉट इज द पावर डिसिपेटेड पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वन डायोड इज फोर करंट इज वन बाई हंड्रेड सो दिस बिकम्स फोर्टी टाइम्स टेन टू दर माइनस थ्री वॉट या फिर 40 मिली वॉट और हमें आंसर मिली वॉट में बताना था तो हमारा जो इंटीजर होने वाला दैट इज़ 40 सो so, इस सवाल का सही आंसर है 40 सो so, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का सेशन सही लगा होगा समझ में भी आया होगा सेमीकंडक्टर बीइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम जेई पर्सपेक्टिव राइट तो इसे बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है चाहे वो जीना डायोड के सवाल हो बुलियन अल्जबरा के सवाल हो लॉजिक गेट्स के सवाल हो इसे नहीं बिल्कुल भी मिस करना है राइट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो लाइक द वीडियो राइट हिट द बेल आइकन ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें आप उनको मिस आउट ना करें ठीक है तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अंटिल देन टेक केयर बाय